नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफन में। जी हां, आज हम बात करने वाले बड़े ही कमाल के स्मार्टफोन के बारे में, Realme X के बारे में। तो इस बात करेंगे इस फोन के बारे में। काफी रूमर समय देखने को मिले थे, क्या स्पेसिफिकेशन इस फोन के हो पाएंगे, क्या प्राइस होगी, कब लॉन्च होगा, कब हमें अवेलेबल हो पाएगा इंडिया के में, इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फोन के थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नई वीडियो लाने की हिम्मत। तो बात कर लेते हैं इस फोन के बारे में थोड़ा सा। तो इस फोन के अंदर हमें जो सबसे पहला जो कन्फर्म कर दिया है Xiaomi ने कि इसके अंदर हमें मिल पाएगा 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX856 कैमरा सेंसर इसके अंदर रियर में मिल पाएगा। यानी ये तो कंफर्म हो गया, यानी 48 मेगापिक्सल का कैमरा इसके अंदर होने वाला है। इसके अंदर डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर हमें मिल पाएगी फुल HD AMOLED डिस्प्ले इसके अंदर हमें मिल पाएगी। और इस फोन के अंदर हमें नॉच नहीं देखने को मिलेगा, पूरा नॉचलेस ये फोन होने वाला है। और इसके अंदर जो है हमें 60 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल पाएगा। फ्रंट कैमरा कहाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये हम फोन इस वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस फोन के यदि डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच का जो है डिस्प्ले इसके अंदर हमें मिलने वाले। यदि बैटरी की बात करें तो इसके अंदर 3680 mAh की बैटरी इसके अंदर हमें मिल पाएगी। और स्नैपड्रैगन 730 का जो है इसके अंदर हमें प्रोसेसर देखने को मिल पाएगा। यदि बात करें तो ये फोन सपोर्ट करेगा फास्ट चार्जिंग को, वो 3.0 वर्जन जो है फास्ट चार्जिंग फोर्स के अंदर हमें मिल पाएगी। ये थे इस फोन के स्पेसिफिकेशन में। बात कर लेते हैं इस फोन की भैया प्राइस क्या होने वाली। प्राइस मेरे हिसाब से जो है अनुमान है, रूमर्स है, ये कुछ कंफर्म नहीं है। इस फोन की प्राइस जो है वो तकरीबन हो पाएगी 20,000 से 25,000 रुपए के आसपास। और ये इस प्राइस रेंज के अंदर मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा फ़ोन हमें मिल पाएगा। इस जो मेमोरी स्पेसिफिकेशन है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाएगी। ये फ़ोन लॉन्च होगा 15 मई को इंडिया के अंदर, तो उसी के बाद हम बता पाएंगे इस फोन के क्या स्पेसिफिकेशन है। और अभी हम बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर जो कैमरा डिजाइन है वो बड़ा ही यूनिक है। पॉपअप कैमरा ऊपर से निकलता है, लेकिन अभी इस तरीके का रूमर हमारे सामने आया। इसके अंदर हमें मिल पाएगा 16 मेगापिक्सल का जो है कैमरा सेंसर इसके अंदर मिल पाएगा, जो आपके फोन के नीचे से पॉपअप निकलेगा, जो कि 200,000 बार टेस्टेड है। तो देखते हैं फोन के अंदर जो है, काफ़ी सारे रूमर्स इसके बारे में चल रहे हैं। अभी जो है मोबाइल लॉन्च होने के बाद ही हम बता पाएंगे। ये था ये फोन। आशा करते हैं आपको वीडियो में कुछ खास देखने को मिला नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि हम हमारे आगे आने वाले वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए अच्छे वीडियोज़ लेके आ सकें। धन्यवाद।